नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक कटोरी चावल के आटे से पकौड़ी, वो भी बहुत स्वादिष्ट एंड लजीज। पकौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी चावल का आटा, 12 से 15 उबले हुए आलू, 1/2 लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, तलने के लिए तेल, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 कलियां लहसुन की, अदरक, हरी धनिया, स्वाद अनुसार नमक। पकौड़ी बनाना हम स्टार्ट करें इससे पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई पैन में हम 1 ग्लास पानी लेंगे। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। जितना आप तीखा पसंद करते हैं, वैसे तो आप 1/2 चम्मच लाल मिर्च लेंगे तो ज़्यादा सही है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इसको हल्का सा उबाल आए उसके लिए 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख देंगे। जब ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हल्का सा उबाल आ जाएगा, पानी का जब कलर चेंज होने लगेगा, तब तक हम इसे गर्म करेंगे ताकि सारे मसाले जो भी हैं वो हमारे पानी में अच्छे से मिल जाए। अब देखिए पानी का मेरा कलर चेंज हो गया है। इसमें हम 1 कटोरी चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा ऐड करने के बाद इसे हम बराबर में मिलाएंगे। हमें रुक रुक के नहीं मिलाना है, इसे बराबर में मिलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम बराबर नहीं मिलाएंगे तो इसमें गुलटियाँ टाइप की पड़ जाएंगी, इसलिए इसे हमें मिलाते रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाता है और बहुत ही जल्दी पानी सोख लेता है। अब देख सकते हैं ये हमारा काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये हमारा पकने लगेगा, जब ये पक जाएगा तो नीचे से देखिएगा ये छूटने लगेगा इस तरीके से। अब ये हमारा पक चुका है, इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ऐसे ठंडा होगा वैसे ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा। अब फिलिंग बनाने के लिए हम अदरक, लहसुन, मिर्ची को थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे इस तरीके से। अब आलू को हम फोल लेंगे। जो हमने उबले हुए आलू लिए हैं इनका हम भरता बना लेंगे। अब हमारा भरता अच्छे से तैयार है। अब इसमें हम कोरिएंडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम अदरक, लहसुन, मिर्ची को अभी जो दरदरा हमने पीसा था, कूटा था, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। हम इसमें पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा मिश्रण तैयार है फिलिंग के लिए। अब हमने इधर जो चावल के आटे का बैटर बनाया था वो हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार है, देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं, आपको हल्का सा ऑयल लेके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसकी छोटी छोटी आकार की लोई लेंगे और लोई लेने से पहले अपने हाथों में ऑयल लगा लेंगे। अब इस तरीके से लोई को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसमें जो आलू की भरती की फिलिंग बनाई है उसको हम फिल करेंगे। अब इसको हल्के हाथों से पोटली को बंद करेंगे इस तरीके से। और इसको हल्के हल्के हाथों से हमें इसे लंबा करना है इस तरीके से। अब इसको बना के एक साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से बाकी भी हम बनाएंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से हम आलू की फिलिंग करके इसकी पोटली बनाकर हल्के हाथों से इसे लंबा करेंगे। अब इसी तरीके से हम बाकी जितनी भी हमारी पकौड़ियाँ हैं उनको हम बना लेंगे। अब मैंने बना ली हैं, अब सबको फ्राई करने की बारी आ रही है। अब फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई पैन लेंगे, इसमें हम पकौड़ी तलने के लिए तेल लेंगे। अब तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हमारा तेल गर्म हो गया है, पकौड़ियों को ऐड करेंगे। और पकौड़ी को पलटने से पहले ध्यान रखिएगा, जब नीचे से हल्की सुनहरी हो जाए तब हम पकौड़ी को दूसरी तरफ से पलटेंगे। और एक बार में 4 से 5 पकौड़ी से ज़्यादा मत डालिएगा। अभी जब हमारी नीचे से हल्की सुनहरी हो जाएंगी इनको पलट लेंगे दोनों तरफ, इसको हल्की सी ब्राउनिश भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ी तैयार है। इसे किसी भी चटनी या चाय के साथ आप सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही खाने में भी उतनी अच्छी है। आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।